बाकी हम देख लेते हैं कि एक ऐसा शूज है। कश्मीरी चाय उबल रही है और यहाँ से मैं खुद के लिए रोटी बना रहा हूँ। नूरन लग गया, देखो यार ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल है कलर। 1 or 2 weeks आपका हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत ही बढ़िया है। वहां से भी पानी है। माउंट द फैशन ने ये पार्सल भेजा है। ये आप घर आपके बाल जट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, करते हैं आज का फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कल रात बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन सुबह सुबह अभी जो है ना वो मौसम ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। और यहाँ से देख लो यहाँ से क्या है, खैर बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ से देखो बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और यहाँ से भी एकदम, अभी तो पूरे पके हुए नहीं हैं, ऐसे ही है, कच्चे ही है। इनको कच्चा ही उतारा जाता है, बिकॉज़ अगर ये पक जाएंगे ना, पूरा पक जाएंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो सुबह सुबह मैं पहले गया था कहाँ मोटर को ऑन करने। और यहाँ से भी देखो माशाल्लाह ये सब हमने बेचे हैं, सेल किए हुए हैं, तो एकदम बढ़िया है और मज़ेदार। और ख़ास कर बहुत ही अच्छे खट्टे होते हैं, मतलब मज़ेदार होते हैं, टोटली ऑसम वाले। तो अभी मैं आया था यहीं अपने बगीचे में, मैंने सोचा तो आपको ये सब दिखाते हैं यहाँ से। यहाँ से हम गेट ओपन करते हैं क्योंकि हमें जो है कहीं जाना है। अभी ना हम अपनी गाड़ी ही लेते हैं, बिकॉज बाइक मेरी यहाँ नहीं है। बाइक जो है ना वो नानी हाल में है। एक्चुअली मुझे कहाँ जाना है, मुझे ना पार्सल लाना है, क्योंकि मुझे किसी बंदे ने पार्सल भेजा है। उसमें उसने क्या भेजा है मुझे नहीं मालूम, बट मैंने सोचा कि अभी जो है ना अभी लाते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस से, अभी एक शॉप से फ़ोन आ रहा था कि आपका पार्सल जो है ना वो यहीं है, तो मैंने सोचा अभी जाते हैं, गांव में ही है, तो अभी वो पार्सल लाते हैं। देखो यार यहाँ से टांगा डॉट क्या कर रहा है, नहीं थर्स्ट डॉट है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो असल पे? सिर्फ मोय फोटो कूद गए सर, कूद गए सर। अभी यहाँ से हमें मिला कौन, टोठा चाचू। बागस गांव अंदर क्या कर रहे हैं? मुझे पार्सल आना है, पार्सल पार्सल आना है। मैं सोच में किमत आमद क्या था पार्सल, मैंने तो ना समझे वाल वाल सिटी में से। इसको बोलते हैं बशपूरा, लेकिन हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। सो गाइस ये रहा पार्सल हमारा, तो अभी इस भाईजान के पास ये था, ज़रा इधर देखो भाईजान, इनके पास था। तो अभी ये पार्सल जो है ना वो हम घर में अनबॉक्स करते हैं। इसमें क्या है वो अभी हमें मालूम नहीं है। देखो यार हमारे गांव में सड़क कितनी ख़राब है, सड़क जो पूरे ख़राब। माउंट द फैशन ने ये पार्सल भेजा है मुझे। माउंट द फैशन जो है ना वो एक ऑनलाइन स्टोर है, आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। अभी मैंने यहाँ से आइसक्रीम भी लाई क्योंकि मेहरान को पसंद है। अभी मैंने जो है ना वो आइसक्रीम दो को मिक्स किया, जो कोन था और भी एक, और उसमें थोड़ा बहुत मैंने ड्राई फ्रूट डाला। तो अब इसमें मैंने मिक्स किया, तो अब ये रखते हैं फ्रीज़र में कुछ टाइम के लिए, जब तक ये पूरा सेट हो जाएगा। और उसके बाद अच्छी तरीके से जो ना इसको खाते हैं, क्योंकि इसमें फिर मजा आता है। गिरते फिरते रास्ते पर चलती रहती वो जिंदा दिल, कुछ भी मांगो नजरों नजरों में भर के लाई जहां को। अभी मैं आया हूँ अपने खेत पर, तो मुझे अब्बू ने बोला कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जो है ना उसको नज़र मारो कि वो ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ का ए मालूम नहीं है, कैसे कुछ ज़मींदारी करा कि हैं ना, मैं ज़मींदारी है जाड़ते पाई, मतलब बाउस थे पर वो उन्होंने देखा कि देखना कि वहाँ पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो पानी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, वर्क है। तो वहाँ से भी पानी है, क्योंकि रात भर जो ना वो बारिश हो रही थी, तभी बढ़िया है। ये हमारा खेत है, इधर से फुल हमारा है, उस साइड से चाचू का है, बड़े चाचू का, उस साइड से जो दूसरे चाचू का, ये फुल हमारा ही है। यहाँ से ट्रेन जाती है पंजगामा स्टेशन, वहाँ है, वहाँ जी।
तो वहाँ रेलवे स्टेशन है उस साइड में, और यहाँ से देखो यार क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत समय है, सही खूबसूरत जबरदस्त। वहाँ से जो ना वो पंजगामा गांव है, और यहाँ पंजगामा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एकदम बढ़िया है। लोग खेतों में है, पता नहीं क्या करें, या कशिर पड़ ना वन नंद करें लक्ष्मण के स्थिति कारण। तो मुझे भी हब्बू ने बोला था कि आप देख लेना है हम पानी वानी सब कुछ है, तो अलहमदिल्ला पानी तो ठीक है इस साइड से भी, लेकिन मुझे लगता है उस साइड से जो ना पानी कम है। सो वहाँ जाते हैं, वहाँ देख लेते हैं कि पानी ठीक है या नहीं है। यहाँ से भी तो पानी ठीक है, लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत कम है। अभी हम जो ना वो बुक को इन्फॉर्म कर लेते हैं कि एक साइड से जो ना वो पानी कम है। हाँ जी, कॉल कर लेते हैं उनको। और अभी जो है ना मौसम एकदम बढ़िया है, ज़बरदस्त है, ना उतनी गर्मी है ना कुछ, एकदम चखो मौसम है। अभी ना अपने खेत को बोलते हैं क्या बाय बाय, और निकल लेते हैं अपनी गाड़ी में वापस। देखो यार यहाँ से प्यारी मस्जिद अस्तानपुर की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मस्जिद का, और ख़ासकर मौसम भी एकदम बढ़िया था, तो जो सिक्का है ना वो बढ़िया लुक दे रहा था। मैं ना सुबह से लो फील कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन है, पता नहीं क्यों। चचेरे भाई के घर में, ये देखो यहाँ से किचन एकदम बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और यहाँ से मुझे मिला क्या, ये देखो यार बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्यूट है। जब हम भी नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो मैं भी ये सब लाऊंगा इंशाल्लाह। और वैसे मेरा मन मेरा है कि मैं जो ना वो कैट ज़रूर लाऊंगा। मेरी मम्मी को कैट पसंद नहीं है, बट कुछ भी करके मैं मुझे कैट लानी है, क्योंकि तब मैं अपने कमरे में ही उसको रख सकता हूँ, है ना। मेरी मम्मी को पेट्स वेट्स पसंद नहीं है, हाँ बाकी पेट्स पसंद है, लाइक कॉकर चितमन पसंद, गाव एट्सेट्रा, बहुत सारे कुछ ऐसे, लेकिन बाकी बिल्लियाँ और जो डॉग्स वॉग्स होते हैं ना, इनसे दूर ही रहती है मेरी मम्मी। वाह ये खुला हो, खुला ये। ओ ओ भाई नेम देख दे, नहीं नेम चोप दे, नहीं देखो यार परी क्या कर रही है। चाय, अभी हम चाय पी लेते हैं, थोड़ी मैंने पी ली। नूरन सुगे करन ये नूरन लगी अथसा लगी यूर शॉप इज बाय मिस्टर टी। बच्चे को कभी चाकू नहीं देना चाहिए। देखो यहाँ से आ गया मीट, चाय प्लस मीट, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और यहाँ से देखो नूरन क्या बना रहे हैं। नूरन सुगे बनाओ क्या लोटी सिखी सी दंग दंग मुच्छा ये क्या कर रहे अमल नूर है तो बोल ये कि नूर है। देखो यार यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो है ना ये ग्रीन येलोइश थोड़ा है, ये ब्लू और वाइट है, ब्लैक स्प्रिट सुपर से। नूरैन जो ना वो डर नहीं रही है इनसे। सो इसको हमने अब जो है ना वो बाहर हैंग करके रखा। देखो क्या जबरदस्त क्यूट बर्ड्स है, ये ज्यादा भाग रहा है ये वाला। नजरों में भर के लाए जहां को जिंदा दिल कुछ भी मांगो है खाना बदोश। सो ये देख रहे हो ये जो है ना घी है इधर से, और यहाँ से कश्मीरी चाय उबल रही है, और यहाँ से मैं खुद के लिए रोटी बना रहा हूँ। ये रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो यार बहुत ही बढ़िया। इस पर मैं घी लगा रहा हूँ एकदम बढ़िया, थोड़ा और लगाते हैं हम इसको घी। ये चीज शोर वारिया करो तो इग्नोर। देखो यार नूरन कैसे देख रही है इनको। नूरन नूरन ये खतरनाक, मैंने तरह साम जी नूरन ये दे दो इधर। हाँ एक क्षण
इक अपर वाला भाव सागो हुआ अपर नूरैन जो कैट के बच्चे हैं उनको ढूंढ रही है कुत्ता वाला 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 पक नियर हो पक देखो यार क्यूट सब किटी यहाँ से बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यार मुझे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्ली तो उससे ज़्यादा वाह देखो यार क्या ब्यूटीफुल है माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सो अभी मैं हूँ वहाँ से वापस कजन के घर से सो हाँ जी तो आ गया मैं अपने स्टूडियो में मैंने ये गॉगल्स क्यों लगाई क्योंकि यहाँ से लाइट है और आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस लाइट की वजह से और ये रही मेरी चाय सो हाँ जी तो ये रहा हमारा पार्सल जो कि मैं पहली ओपन करके रखा जो कि मुझे भेजा है माउंट फैशन है जो इंस्टाग्राम पर ये जो ना ऑनलाइन बेचते हैं चाहे आउटफिट्स हो चाहे शूज़ हो चाहे कुछ भी हो आप वहाँ जा सकते हो उनको फॉलो कर सकते हो ताकि हम देख लेते हैं कि एक ऐसा शूज़ है हाँ जी वाओ यार एकदम बढ़िया है बेस्ट देख सकते हो आप ज़बरदस्त है और ये दूसरा हाँ जी दूसरा इधर से शूज़ जो है ना वो भी ये भी एकदम बढ़िया है ज़बरदस्त इसका सोल या कशिर पर छोना पहाड़ तो वो भी बढ़िया है इसकी प्राइस एकदम लो है मतलब 600-700 में ये पेयर्स आपको मिलेंगे और या इससे भी बढ़िया है शूज़ तो आप माउंट फैशन के इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ वहाँ जो है ना ये ऐसे ऐसे शूज़ आप ऑर्डर करवा सकते हो ऑनलाइन है आउटफिट्स हो या शूज़ हो आप ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से आपको जो बात कहनी थी वो थी अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन माय हेयर ट्रांसप्लांटेशन हाँ मैंने वली सर से बात की थी वली सर ने बोला कि विद इन 1 or 2 weeks आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो अभी मैं ऑयल लगा रहा ये जो है ना ये हेयर ऑफ कश्मीर का कस्टमाइज्ड ऑयल है जो कि वो खुद बनाते हैं मतलब कश्मीरी ब्रांड है ये आप अगर आपके बाल जड़ रहे हैं या दाढ़ी भी आधे लोगों की जड़ती है ना तो आप ये जो है ना ये ऑयल लगा सकते हो जो चांदपुरा बाईपास है वहीं उनका ऑफिस वहीं हेयर ऑफ कश्मीर का ऑफिस है वहाँ विजिट कर सकते हो और ये कस्टमाइज्ड ऑयल जो है ना वो वहाँ से ला सकते हो और अब मुझे लगता है ये जो व्लॉग है ना इधर ही एंड करते हैं इसलिए आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना फेसबुक पर फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहो खुशहाल रहो इंसानियत और कश्मीर ऑलवेज़ जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह